पाकिस्तान में लोकतंत्र जनता के द्वारा है, जनता के लिए है, जनता की सरकार है। चीन तो लोकतंत्र हो गया। आइए आप लोगों को हम इससे पहले जो वीडियो बनाए थे, आप लोग हमको बहुत ज़्यादा सहयोग दिए थे उसमें। अभी तक में जो है 3 दिन हुआ है, उसमें जो है 150 व्यूज चले गया है। इसमें जो है आप लोग बहुत सहयोग किए। कुछ हम नाम लेना चाहते हैं, जैसे अभिषेक सिंह जी हैं, जैसे राघवेंद्र जी हैं, चांदनी जी हैं और रश्मि जी हैं। ऐसे बहुत सहयोग किए आप लोग, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहला वीडियो में कुछ मिस कर गए थे, उसको थोड़ा सा हम सुधारना चाहते हैं। देखिए प्रस्तावना जो था, प्रस्तावना जो है उसमें परिचय पत्र बोले थे, ठीक है। परिचय पत्र किसने कहा था, परिचय पत्र किसने कहा था, उसमें हमने मिस कर गया क्या, एन पालकी वाला कह दिए थे। लेकिन सर एन पालकी वाला नहीं, एन ए पालकी वाला होता है, ठीक है। यही यहाँ वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, एन ए पालकी वाला। दूसरा हम सर्वप्रथम कह दिए थे ये समाजवाद जो है गांधी जी लाए थे, ये थोड़ा गलत हो गया। भारत में समाजवादी विचारधारा जो है वो लोकतंत्र और गांधीवादी है, लोकतंत्र और गांधीवादी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको संशोधन करवा रहे हैं। ये जो है भारत में समाजवाद कैसा है, ये लोकतंत्र और गांधीवादी है। ये एक बार लिख लीजिए या आपको जो करना है, लोकतंत्र और गांधीवादी है। ठीक है। और एक साम्यवाद हम बता दिए थे आप, साम्यवाद का विचार जो है किसने लाया था, ये भी हम थोड़ा सा मिस कर गए थे। माओ तशे तुंग ने, ठीक है। चलिए इतना ही मिस हुआ था। तो अब हम लोग फिर से जो है अब नया टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। आइए हम लोग जो है संप्रभुता समाजवादी पढ़ चुके थे, अब हम लोग जो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य पढ़ेंगे। आइए हम सर्वप्रथम जो है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष से स्टार्ट करते हैं। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों को सबको होता है ये धर्म, धर्म धर्म मतलब क्या होता है, धर्म मतलब होता है धारण करना, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष का मतलब होता है कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, अर्थात अलगाव, अर्थात अर्थात अलगाव मतलब धर्म का अलगाव, इसे ही धर्म निरपेक्ष कहते हैं। धर्म क्या है, हम आपको एक डिफिनेशन देते हैं धर्म का। आइए, धर्म नियमों का ऐसा समुच्चय है जो व्यक्ति को जीवन जीने का नियम या धारण करने सिखाता है। धर्म नियमों का ऐसा समुच्चय है जो जीवन जीने का नियम या धारण करने सिखाता, उसे ही धर्म कहते हैं।
और निरपेक्षता, कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, किसी पे आधार नहीं, किसी पे निर्भर नहीं रहना, अर्थात अलगाव, मतलब धर्म का अलगाव, इसे ही धर्म निरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको तो सिखा दिए धर्म नियमों का ऐसा समुच्चय जो व्यक्ति को एक सेकंड के लिए, एक थोड़ा सा, जो व्यक्ति को जीवन जीने का नियम या धारण करने सिखाता है, इसी को धर्म कहते हैं। आइए, धर्म के बारे में इतना हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, काहे नहीं किए, ये ऐसे हम तो आपको बता ही दिए धर्म क्या है और निरपेक्ष क्या है। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, उसमें जो है एक बात की गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था, उसमें धर्मनिरपेक्षता पे भी सुधार हुआ था। 42वें संविधान संशोधन पे धर्मनिरपेक्षता पे भी सुधार हुआ था। उस सुधार में धर्मनिरपेक्षता की जगह पे पंथ निरपेक्षता लाया गया था। गांधी जी ने सर्वप्रथम जो है गांधी जी ने भारत में धर्मनिरपेक्षता लाई थी, पंथ निरपेक्षता लाई, कि जो है व्यक्ति जो है धर्म से कभी अलगाव नहीं, अलग नहीं हो सकता है, परंतु पंथ से अलग हो सकता है, पंथ निरपेक्षता हो सकता है, परंतु धर्म निरपेक्षता नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम हम गांधी जी के बारे में गलत बोल दिए आपको, ये विचार जो है महात्मा गांधी का है जो पंथ निरपेक्ष हो, और ये संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। आइए, जो है ये निरपेक्षता जो है अपना कंट्री में कभी नहीं हो सकता, ये सब चीज यूरोप कंट्री में हो सकता है निरपेक्षता। और जानते हैं धर्म से अलगाव जो है, धर्म के प्रति जो है कोई भी स्टेटमेंट नहीं उठा सकता है, कौन? अमेरिका सब। भारत धर्म पे भी उंगली उठा सकता है, धर्म पे भी जब आप गलत कीजिएगा तो आप पे हस्तक्षेप करेगा, ये बात हम आपको क्लियर कर देंगे, आप भी समझिएगा कैसे, और जो है आपको और बढ़िया से हम बता रहे हैं। देखिए क्या है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष क्या, निरपेक्ष तो आप समझ गए, निरपेक्ष तो समझ गए, पंथ निरपेक्षता जो कही, कहीं कहीं ऐसा हो जो जब एग्जाम में होता है कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों भी दे देता है, कहीं धर्म निरपेक्ष देता है कहीं पंथ निरपेक्ष दे देता है, इसलिए हम आपको धर्म निरपेक्ष भी बताए और पंथ निरपेक्ष भी बता रहे हैं। तो पंथ निरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, आपको निरपेक्षता तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। पंथ शब्द कहां से आया है, पंथ शब्द पथ से आया है, पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब रास्ता। जैसे आप देखिए मुस्लिम धर्म लीजिए, एक सेकंड के लिए आप मुस्लिम धर्म लीजिए, मुस्लिम धर्म में क्या होता है, दो भाग में बटे हैं, जैसे सिया और सुन्नी, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर, हीनयान और महायान, ये दो, ये पंथ है। महात्मा गांधी जो है व्यक्ति जो है धर्म से अलग नहीं हो सकता है, परंतु पंथ से अलग हो सकता है। उन्होंने के जन्म से ही, देश में जन्म से ही व्यक्ति धर्म को धारण करके आता है। हम लोग जब जन्म लिए थे तो हमें पता नहीं था हम कौन से धर्म है, लेकिन हम अपने धर्म के अनुसार सारा काम करते गए। ठीक, यही बात है पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, अब हम आप लोगों को लोकतंत्र बताते हैं। लोकतंत्र का जो है इंग्लिश क्या होता है, लोकतंत्र का इंग्लिश क्या होता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक किस शब्द से, दो शब्द से मिलकर बना है, जानते हैं किससे,
डेमोस और काटिया, डेमो और काटिया। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, काटिया, डेमोस और काटिया। डेमोस मतलब क्या होता जानते हैं? जनता। काटिया मतलब क्या होता जानते हैं? शासन, जनता का शासन, अर्थात डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र का मूल अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, ठीक है। अच्छा, हम इस जनता का शासन में जो है अब्राहम लिंकन ने एक जो है परिभाषा दिए थे, वो अच्छे फिलोसफर थे, सारे महान आदमी अच्छे अच्छे फिलोसफर ही हैं, महात्मा गांधी ही ले लीजिए बहुत अच्छे फिलोसफर हैं, और अंबेडकर जी ले लीजिए अच्छे फिलोसफर हैं, ठीक है। आइए उस पर ज्यादा नहीं बात करें। अब्राहम लिंकन ने क्या दिए थे जानते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द फॉर द पीपल बाय द पीपल। आइए हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के क्या, जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के। अब आप लोग ये लिख लीजिएगा, जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ठीक है। तो क्या, अच्छा ये समझिए, तो क्या ये लोकतंत्र हो गया? जनता के द्वारा चुना गया सरकार है, जनता के लिए है, ठीक है, तो क्या ये लोकतंत्र हो गया? अच्छा, तब तो बहुत आदमी कहेंगे जो पाकिस्तान में लोकतंत्र है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है, जनता की सरकार है, चीन तब लोकतंत्र हो गया क्या? हम लोग के अनुसार ये होगा तो तब तो ये हुई है। आइए हम आपको चीन और पाकिस्तान के बारे में एक थोड़ा सा स्टोरी सुनाते हैं, मतलब वो कैसा लोकतंत्र है, आप लोगों को भी स्टोरी समझ सुनने के बाद जो है आप लोगों को पता चलेगा कहाँ कैसा लोकतंत्र है। अब मान के चलिए आपके घर में कोई भैया है या कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैसा कमा रहे हैं, आपको बोले जो चलो आज तुमको हम पार्टी दे रहे हैं, इसे होता है पार्टी हम लोग करते हैं, आपको लेके गए यहां से पार्टी करने के लिए कोई अच्छे रेस्टोरेंट में, आपको जो है खाने का जो है वो मेनू आया, आप देखे वो मेनू में, तो भैया क्या बोले वहां पे, पहले तो कहे जाए चलो पार्टी करने, तो पार्टी मतलब जो है आपको जो खाना है सो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोच के गए वहां पे, गए जैसे मेनू देखे तो भैया बोले क्या ये देख लो, ये जो है इससे इसके बीच में कर लो, जो लेना है ले लो, एक तो आप पूरा जो है पूरा चार्ट में आप थोड़ा सा पे आ गए, एक लिमिट जगह पे आ गए, अब उस लिमिट में भी जब देखे ऐसे कर, अच्छा सुनो ना ये खा लो, खाए तो किए तो भैया के साथ पार्टी, नजर में तो है दुनिया का जो आप पार्टी की, लेकिन किए क्या, भैया के अनुसार सारा काम किए, यही लोकतंत्र वहां पे भी है, सेम टू सेम लोकतंत्र, जनता के द्वारा सब कुछ हो रहा लेकिन जनता का कुछ नहीं है, समझ गए, यही है, ऐसे समझ। अब आइए जो है हम लोग लोकतंत्र अच्छे से, हाँ अब देखिए लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का मूल अर्थ होता है हाँ सरकार को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता और विकल्प, यहां सरकार को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता और विकल्प हो। अब ये लिखने की क्या बात है, आप लोग तो जानेंगे जहां जो है सरकार को चुनने की जो है विकल्प और स्वतंत्रता, जैसे हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति उठ जाते हैं, सब कहते हैं अभी विपक्ष में देखिएगा तो प्रधानमंत्री बनने की होर लगी है, आने वाले चुनाव में बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे गठबंधन हमें लगता है जो अलग हो जाएंगे और कहेंगे जो हम
जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हम है तो कोई कहेंगे हम है। अब ये समय बताएगी क्या होने वाला है। आइए अब हम आप लोगों को गणराज्य बताते हैं। गणराज्य में दो, गणराज्य में दो चीज, एक देखिए लोकतंत्र, यहां देखिए ब्रिटेन और यहां पर देखिए भारत, ठीक, ब्रिटेन और भारत। अच्छा यहां जो सरकार का प्रमुख क्या होता है, यहां पे सरकार का प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है, ठीक है, यहां पे सरकार का प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है, यहां पे भी सरकार का प्रमुख सेम टू सेम निर्वाचित होता है। यहां पे सरकार का प्रमुख निर्वाचित होता है, भारत में भी सरकार का प्रमुख निर्वाचित होता है, परंतु ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है नहीं, राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी होती है, ठीक है, लेकिन भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति भी निर्वाचित होते हैं, यहां पे राष्ट्रपति भी जीवी निर्वाचित होते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा निर्वाचित ही हुए भी है। तो ब्रिटेन जो है कैसा है, ये सरकार द्वारा निर्वाचित है, परंतु यहां पर जो राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत होता है। भारत में जो है राष्ट्र का प्रमुख भी निर्वाचित होता है और जो है सरकार का प्रमुख भी निर्वाचित होता है। भारत जो है लोकतंत्र और गणराज्य है, परंतु जो है ब्रिटेन लोकतंत्र है, गणराज्य नहीं है। आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। हम ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, क्या है कि वीडियो लंबा हो जाने के बाद जो है आप लोग बहुत कट करते हैं और इससे क्या होता है, अच्छा अच्छा चीज जो आप लोग वंचित हो जाते हैं, इस चलते जो हम ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत।